तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। और काफी दिनों के बाद वीडियो ये आ रहा है। आप देख सकते हो हमारे साथ आज नई गाड़ी है, तो गेस करना भाई कौन सी है, टाटा की गाड़ी है और कौन सी गाड़ी है, आप लोग गेस करो। तब तक चलते हैं आगे, तब तक इस गाड़ी के बारे में आपको कुछ डिटेल देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सीधा चलना है हमें, यहाँ से लेफ्ट। तो बहुत सारे व्यूअर हमारे समझ गए होंगे ये गाड़ी कौन सी है। किसका है? बीच रोड पे ही गाड़ी लगा दिया है भाई, देख सकते हैं। भाई गाना बजा, बिल्कुल बजा सकते, बट कॉपीराइट आ जाएगा। उधर से रिटर्न में बजाया जाए क्या? ठीक तो किधर लेना भाई? लेफ्ट, इधर हो गया लेफ्ट राइट। चलिए आपको थोड़ा सा इस ड्राइविंग रिव्यू देते हैं, उसके बाद थोड़ा स्पेक आपको इसके बारे बताते हैं। पहले इसे जाने दे थोड़ा, मंदिर पर से राइट। तो ये गाड़ी जिस जो भाई समझ गए कौन सी गाड़ी है, अच्छी बात है। बाकी ये गाड़ी है टाटा पंच और कैमो एडिशन है ये कार, एडवेंचर। और बहुत दिनों बाद हमारा ये वीडियो आ रहा है, और खासकर बहुत दिनों के बाद जो वीडियो आया भाई हमारा आया है दूसरे गाड़ी के साथ। और ये जो बीपिंग का साउंड सुन रहे हैं आप, ये है आपको सीट बेल्ट का। तो ये सीट बेल्ट लगा देंगे भैया, और इसमें इंफोटेनमेंट जो सिस्टम दिया गया है वो हम हरमन का दिया गया है, और ताकि ये देख सकते हो आप इसमें ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी। किधर चलना भैया? फ्यूल एफिशिएंसी से लेकर आपको ड्राइविंग का, क्या आप किस तरीके से ड्राइव करते हो, ये सारा आपको इसमें दिख जाता है। एफिशिएंसी, ड्राइविंग, सेफ्टी, सारा कुछ है। ओवरऑल और माइलेज कितना दे रहा है ये भी है इसमें आप देख सकते हो भाई। तो ये चीज़ बहुत पसंद आया, खासकर टाटा में ये चीज़ आपको मिलेगा देखने को। बिल्ड क्वालिटी में देखें तो, सेफ्टी में देखें, पहली बात तो 5 स्टार इसे दिया गया है। ओवरऑल 5 स्टार कार है ये सेफ्टी में। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस का बात करें तो स्मूथ है भाई, स्टीयरिंग इसका खासकर बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और आपको एक बार बाहर से दिखा दें, अंदर से हमने देख लिया, यहाँ पे लगा दें ऐसे। चलिए ओके। और कार की जो बॉडी वेट है, मतलब ओवरऑल चलाने में फील हो रहा है कि कार में वजन है भाई, ऐसा नहीं है कि फील नहीं हो रहा है, मतलब रोड पकड़ के चलने वाली ये कार मुझे लग रही है। तो ओवरऑल देखे तो ये चीज़ सही लग रहा है, मतलब स्टीयरिंग इतना मतलब स्मूथ है कि मतलब एक उंगली से आप जो कहते हैं ना स्टीयरिंग को घुमा देना, वो ऐसा इसमें लग रहा है। तो एक बार आपको बाहर से इसका व्यू दिखाते हैं। तो आप, ये है इसका, हालांकि अभी थोड़ा धूप लग रहा होगा तो ये दिख नहीं रहा है। ये आपको ओडोमीटर इसका मिल जाता है, डिजिटल मीटर आपको मिलेगा। और साइड में आपको सारा विंडोज़ के बटन मिल जाते हैं। और इसमें म्यूज़िक सिस्टम अभी हमने चेक नहीं किया है, और ये अभी हम चेक करेंगे इसे ब्लूटूथ से, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसे चेक करेंगे। तो भैया ने नया नया गाड़ी लिया है भाई, तो कॉन्ग्रेचुलेशन है इनको। और कार को बंद करते पुश बटन स्टार्ट ऑन ऑफ मिलता है इसमें। तो ये गाड़ी हमारे सामने है, ये टाटा का पंच कैमो एडिशन, यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये देख सकते हो आप। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ का बात करेंगे अभी हम, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, और आया है तो भाई एक अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आ चुके हैं। सामने सबसे पहले बात करेंगे तो टाटा का लोगो मिलेगा आपको, उसके बाद बहुत अच्छा फिनिशिंग वाला ग्रिल मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो नीचे ये क्रोम, ये ग्रिल आपको देख सकते हो, ग्रिल भी लुक अच्छा दे रहा है भाई इसका, और क्रोम फिनिशिंग लुक दिया है इसका। कैमरा मिल जाएगा आपको, हॉर्न मिल जाता है सही, फॉग लाइट यहाँ पे मिल जाएगा, लाइटिंग मिल जाएगा, डीआरएल लाइट मिल जाएगा आपको। और इस गाड़ी का साइड लुक का बात करें ना,
तो इस गाड़ी का साइड लुक बहुत मतलब देखने में ना मतलब आई कैची लगा मुझे, और रूफ इसका वाइट है जो कलर कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त मिलता है इसमें। ओवरऑल देखें तो स्टील के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको इसमें, जो बहुत सही लुक देता है भाई, मतलब चलाने में मज़ा आता है। रिवर्स कैमरा मिल जाता है, पर आपको इसमें दो सेंसर मिलते हैं, एक दो, और यहाँ पे आपको फ्यूल कैप मिल जाते हैं यहाँ पे फ्यूल भराने के लिए। ये सब बाहर से लगा हुआ है आपका डोर वाइजर जो कह सकते हैं आप। ओवरऑल ये है इस गाड़ी का बाहर का व्यू। मैनुअल इंजन मिलता है आपको इसमें 1200 सीसी का, जो 84 BHP पावर जनरेट करता है, जो सफिशियंट है मतलब सिटी ड्राइव के लिए। आप अगर ओवरऑल देखो तो ज़्यादा मतलब ये नहीं कह सकते हम लोग कि ज़्यादा आपको बॉडी के हिसाब से ज़्यादा मतलब पावर के हिसाब से बॉडी वैसा फीका रखा है। बॉडी बहुत अच्छा मतलब वाइड लग रहा है आपको देखने में, मतलब अगर आप देख रहे हो सामने से तो क्रेटा और पंच का बॉडी शेप सेम लग रहा है, मतलब ऐसे देखने में फ्रंट लुक से आपको। तो रोड पे पकड़ के चलता है तो पावर भी वैसा इसमें दिया गया है। ओवरऑल तो ये कार मुझे भाई बहुत पसंद आया, बाकी भैया अब चलाएंगे तो देखेंगे बताएंगे रिव्यू इसका क्या है नहीं है। और इसका फ्रंट लाइट का जो है आपको ये लाइट ना भाई गजब मिला है, गजब देखने को मिला है। कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन और वाइट का जो रूफ दिया हुआ है एक नंबर, ज़बरदस्त मज़ा आ गया देख के। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब कार का लुक को थोड़ा इन्हेंस करता है ओवरऑल अगर आप ऐसे देखो तो। क्रोम फिनिशिंग ये सब आफ्टर मार्केट है भाई, ये शोरूम में नहीं मिलता आपको, ये सब आपको लगवाना पड़ेगा। ये जितना भी क्रोम फिनिशिंग है, डोर वाइज़र है, ये सारा एसेसरीज़ में आता है आपका, कंपनी नहीं देती है। बट जो कंपनी ने दिया है जैसे फॉग लैम्प हो गया, हेडलाइट हो गया, DRL लाइट हो गया, ये सब मतलब टाटा वाले ये सब चीज़ कुछ ना कुछ, जैसे टाटा के बहुत सारे मॉडल है, हैरियर बहुत सारे मॉडल निकालते रहते हैं नए नए तरीके के, और सारे में मतलब लुक वाइज देखो तो बहुत अच्छा इन्हेंस करके रखते हैं उसे। तो ओवरऑल जब कंपनी 5-star रेटिंग दे रही है, इंडिया की सेकंड टॉप सेफेस्ट कार में आती है ये टाटा पंच, तो आप समझ सकते हो इसमें और कुछ बोलने का ज़रूरत है नहीं। आपको इसका म्यूज़िक सिस्टम का रिव्यू देके देखते हैं। आपको इसमें ट्विटर मिल जाती है, इसमें यहाँ पे आपको दो ट्विटर मिलते हैं भाई, या साइड डोर में आपको मिल जाएंगे, नीचे मिल जाएंगे स्पीकर, और सेम पीछे की सीटों में मिलेगा आपको नीचे और यहाँ पे। पार्सल ट्रे में स्पीकर नहीं है, ये डोर में दोनों साइड में आपको स्पीकर मिलते हैं। सीट बेल्ट के कॉम्पोजिशन को देखो आप तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है और एक यहाँ पे, जो लेग रूम भी आपको अच्छा खासा इसमें मिल जाता है पीछे बैठने पे। तो चलिए एक बार म्यूज़िक प्ले करते हैं। भाई नो कॉपीराइट नहीं, बस जाना पड़ेगा अभी, पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है भाई म्यूजिक। ओवरऑल स्टीयरिंग में आपको मिल जाते हैं कंट्रोलिंग पैनल, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। आई थिंक ये कुछ और अच्छा, यहाँ से मोड चेंज कर सकते हो भाई आप, यहाँ से वॉल्यूम, सीट तो आपने देख लिया भाई, सीट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक, काजल और 12 volt कार चार्जर, USB के लिए आपको यहाँ पे AC कंट्रोल पैनल, डैशबोर्ड, यहाँ पे ग्लव बॉक्स में आप देख सकते हो, बॉक्स में आपको लाइट भी मिलता है भाई, ये लाइट आप देख सकते हो। तो ये चीज़ अच्छा है कि ओवरऑल अगर आप अंधेरे में भी चल रहे हो तो टाटा वालों ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि आपको लाइट अवेलेबल किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और ये सब चीज़ कारों में नहीं आती भाई, चाहे आप अच्छा पैसा लगा दो ये चीज़ नहीं देते हैं। तो टाटा वालों ने ये दिया तो उसके लिए एक लाइक बनता है। और ये कार आप देख सकते हो भाई बिल्कुल बिल्कुल अभी ब्रांड नहीं हुई, कितनी चली हुई गाड़ी है, 150 किलोमीटर भी चली है, तो आप समझ सकते हो कि गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चली है अभी, 225 किलोमीटर हाँ ओवरऑल चली हुई है। तो यही है, बाकी आगे चलने के बाद इसका बताते हैं आपको क्या कैसा रहा रिव्यू, कैसा था मतलब ओनर रिव्यू से पूछेंगे ज़रूर भैया से कि कैसा चला नहीं चला। बाकी
होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, और कमेंट करके बताएं अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ट्राई करेंगे उस टॉपिक पे अपना वीडियो लेके आने का। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।